सनातन धर्म में व्रत और पूजन कार्यों को विशेष माना गया है। काल भैरव को शिव का पांचवा अवतार माना गया है। काल भैरव के प्राकट्य तिथि को कलाष्टमी के रूप में मनाई जाती है। सनातन धर्म में कलाष्टमी को लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि हर मास की अष्टमी तिथि को अलग अलग नामों से पुकारी जाती है, जैसे नवरात्रि पर्व इत्यादि में आया तो दुर्गा अष्टमी हो गया, भादो महीने का आया तो कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, उसी तरह जो मार्गशीर्ष अघन मास की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है उनको काल भैरव जयंती या काल भैरव अष्टमी कालाष्टमी के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन भगवान भैरव जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को काल भैरव जयंती के रूप में मनाई जाती है। और जहाँ जहाँ पर सिद्धपीठ हैं, शक्तिपीठ हैं, जहाँ शक्तिपीठ भगवती के साथ में भैरव जी विराजमान हैं, उन सभी जगहों पर भैरव जी की जयंती उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इसलिए इस दिन को विशेष करके भैरव जी की पूजा की जाती है। भैरव जी की पूजा गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए तथा बाहरी जो शक्ति है उनके नाश करने के लिए भैरव जी की पूजा की जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को इस दिन विशेष करके किसी भी देवी मंदिर में सिद्ध पीठ में जा करके भैरव जी की पूजा आराधना दर्शन करना चाहिए। उनको कुछ अर्पण भी कर सकते हैं क्या अर्पण? जैसे कि हम सभी सात्विक रूप से पूजन करते हैं, मंत्रों से पूजा करते हैं। तांत्रिक पूजा पद्धति अलग होती है भैरव जी की, जिसमें अलग अलग उनके तत्व द्रव इत्यादि चढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम चूँकि मांत्रिक हैं और सात्विक पूजा वाले हैं इसलिए भैरव जी को विशेष करके उड़द दाल से बने हुए बड़ा, मूंग का बड़ा और मीठा में इमरती नाम की जो जलेबी आती है उसको चढ़ाई जाती है, इससे भगवान भैरव जो है प्रसन्न होते हैं।